हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से एक और न्यू अनदर वीडियो पे। फ्रेंड, अक्सर आप लोग अपने रियलमी के हैंडसेट में आप लॉक स्क्रीन पासवर्ड लगा के रखते हो। फ्रेंड, अचानक आप अपने रियलमी का ही लॉक भूल जाते हो तो आपसे फोन अनलॉक नहीं हो पाता है और आप बहुत ज्यादा मुसीबत में भी आ जाते हो। फ्रेंड, इसीलिए मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि अगर आप रियलमी का स्मार्टफोन यूज करते हैं, रियलमी का चाहे वो कोई भी मॉडल, चाहे रियलमी 5S हो, 5i हो, 5 Pro हो, रियलमी 6 हो, रियलमी नार्जो 20 हो, 20 Pro हो, रियलमी 50 क्यों ना हो, अगर आपसे फोन लॉक हो जाता है और आपसे अनलॉक नहीं हो पाता है तो प्लीज ये वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, ताकि इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने रियलमी का लॉक अनलॉक कर सकते हो, वो भी घर बैठे बैठे बिना पैसा वेस्ट किए और बिना डाटा को डिलीट किए। फ्रेंड, हम लोग अपने फोन में बहुत तरह का फोटो, वीडियो, कॉन्टेक्ट नंबर या जीमेल भी रखते हैं ताकि वो कुछ भी डिलीट ना हो सके, लेकिन आपका फोन जब लॉक हो जाता है और कहीं पे भी आप जाते हो अनलॉक करने के लिए, बट वहां पे एक्चुअली आपसे पैसा भी लेगा और आपका फोन का जितना इम्पोर्टेंट डाटा होगा वो भी सारा का सारा डिलीट करके देगा। पर इस वीडियो में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, नहीं आपका डाटा डिलीट होने वाला है और नहीं पैसा वेस्ट होने वाला। मैं यहाँ विदाउट कंप्यूटर की मदद लिए यहाँ पे आपके सामने लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे आप रियलमी का लॉक अनलॉक कर सकते हो। तो आइए फ्रेंड, मैं स्वागत करता हूँ फिर से एक और न्यू अनदर वीडियो पे। तो पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। फ्रेंड, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे इस स्क्रीन लॉक पे। देख सकते हो कि मेरे फोन में अभी पासवर्ड लॉक लगा हुआ है जो कि 6 डिजिट का पासवर्ड लॉक है। आपके फोन में 4 डिजिट का भी पासवर्ड लॉक हो सकता है, या पिन लॉक भी होगा या पैटर्न लॉक भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंड, पहले आपको ये कन्फर्म कर लेना है कि मेरे फोन में पासवर्ड लॉक लगा हुआ है, आपके फोन में कोई अनदर लॉक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, पहला ये। फिर सेकंड आपको क्या करना है, आप अपने फोन का देख सकते हो यहाँ पे मैं सिम कार्ड जो निकाल के रखा हूँ, पहले आप भी अपने फोन का सिम कार्ड को निकाल लीजिएगा। ध्यान से देख सकते हो यहाँ पे सिम कार्ड मैंने पहले से निकाल रखा है क्योंकि अनलॉक करने में कोई भी दिक्कत ना आए। एंड देन ये काम करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली ये इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन आपको मिलेगा। इमरजेंसी कॉल आपको ऊपर है या नीचे मिल सकता है, या लेफ्ट या राइट, दोनों कहीं पे भी होगा मिलेगा। इमरजेंसी कॉल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करते ही आप आ जाओगे इमरजेंसी कॉल के पेज पे। इमरजेंसी कॉल के पेज पे आ जाने के बाद हमें सर्विस सेंटर का कोड जो है इसे एक्टिवेट करना है। एक बार सर्विस सेंटर का कोड एक्टिवेट करते ही आप अपने फोन का लॉक अनलॉक कर सकते हो। पहले मैं यहाँ पे कोड डायल कर देता हूँ, आप लोग अपने फोन में या कॉपी में नोट कर लीजिए, ध्यान से या कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ये कोड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हो कि ये फोन में मैंने कोड डायल कर दिया है। यहाँ पे इस कोड को आप लोग अपने फोन में कॉपी कर लीजिए ध्यान से, कि कोई भी एक अंक आपका छूटना या मिस्टेक से छूटना नहीं चाहिए। एंड देन आपको क्या करना पड़ेगा, इस कोड को हमें एक्टिवेट करना है। कैसे करेंगे, ये कॉल वाला ऑप्शन आप लोग देख रहे हो, कॉल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आएगा, इसे इग्नोर करके आपको ओके कर देना है। ओके करते ही आपको ऐसा ही 5 बार करना है, ऐसे ही 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 एंड देन 5 टाइम इसे ओके करने के बाद इस कोड को आप लोग इरेज कर लेना। इरेज करते ही यहाँ पे आपको मैं मास्टर अनलॉकिंग कोड देता हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देख सकते हो *#899 और ये हैज, ये कोड को डायल करते ही आप चले आओगे इंजीनियर मोड के फाइल पे। इंजीनियर मोड के फाइल पे आने के बाद फ्रेंड आपको क्या करना पड़ेगा, 4 नंबर मैनुअल टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करते ही आप आ जाओगे इंजीनियर मोड के पूरे एप्लीकेशन में। एंड देन यहाँ पे पीछे आओगे सेकेंड डिवाइस पे आओगे ऑप्शन पे, सेकेंड ऑप्शन पे आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जायरोस्कोप का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। पहले आपका फोन को अनलॉक करना है तो ग्राफ को क्लिक कर दीजिए, ये आपका अनलॉकिंग प्रोसेस चालू हो गया है। यहाँ पे आपको मात्र 5 सेकंड वेट करना पड़ेगा। मात्र 5 सेकंड वेट करने के बाद आपको लगेगी मेरा 5 सेकंड कंप्लीट हो चुका है, तो इसे आप बैक कर लीजिएगा, ठीक है ना। एंड देन
आपको डाटा सेव करना है। तो ये जायरोस्कोप सेल्टेज पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपका टेस्टिंग चालू हो जाएगा। यहाँ पे आपका पास का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको बैक करके ये डाटा डिस्प्ले को ओपन कर दीजिएगा। आपका जितना इम्पोर्टेंट डाटा है सारा का सारा यहाँ पे सेव हो रहा है, यानी रिकवर हो रहा है, कुछ भी डिलीट नहीं होगा। मैं अनलॉक करने के बाद आपको मैं प्रूफ भी करूंगा। ये जो सेव हो रहा है ये 30 लाइन तक ही होगा, 30 लाइन से अधिक भी हो सकता है आपके अगर कोई अलग मॉडल यूज करते हो। तो देख सकते हो ये मेरा 30 लाइन कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा नीचे करेंगे तो और 40 भी पार हो चुका है। एंड देन हमें इसे बैक कर लेना है। बैक करने के बाद जायरोस्कोप नॉइज एरर पे क्लिक करने के बाद आपको इसे स्टार्ट कर देना है। ये स्टार्ट होगा आपका ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा, यानी कि आपका ये कोड मिल चुका है। ये हमारा कोड एक्टिवेट होते ही आपका फोन अनलॉक हो चुका है। एंड देन इसे बैक कीजिएगा, फिर बैक कीजिएगा सबसे लास्ट वाला ऑप्शन पे जाना है जो कि अदर्स नाम का पेज मिलेगा। और यहाँ पे रीसेट कंप्लीट, यानी कि हमारा लास्ट ऑप्शन है, लास्ट वर्क है। रीसेट कंप्लीट पे क्लिक करके देखेंगे कि हमारा लॉक अनलॉक हुआ या नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे पास का ऑप्शन आ जाता है। एंड देन हमें होम बटन को क्लिक करना है, आपके सामने रियलमी का फोन अनलॉक हो जाएगा बिना डाटा डिलीट किए हुए। आप सभी देख सकते हो मेरे फोन में कई तरह का ऐप है, यहाँ पे गेम्स भी है, बहुत तरह का गेम्स यहाँ पे भी देख सकते हो। ये भी गेम है, कैरम बोर्ड वाला भी गेम है, बहुत अनदर चीज है। एंड देन हमारा फोन अनलॉक हो गया बिना पैसा वेस्ट किया और बिना डाटा डिलीट किया। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।